बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, जो कि कुंद्रा बी टाउन की हॉट मॉम्स में से एक है, शिल्पा ने जिस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन किया है, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो दो बच्चों की माँ है। फिटनेस और खूबसूरती में उनका कोई जवाब नहीं है गाइस। अभी 8 जून को उनका बर्थडे भी था पिछले मंथ, और खूबसूरती के मामले में शिल्पा आज भी कई हसीनाओं को मात देती है, वक्त के साथ साथ और भी खूबसूरत होती जा रही है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जब शिल्पा ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी तब भी उनका लुक आज से काफी अलग था। वो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ बदल देता है गाइज, कई बार लाइफ स्टाइल से लेकर शक्ल सूरत भी, ऐसा ही कुछ शिल्पा शेट्टी के साथ भी हुआ है। फिल्मों में आने से पहले शिल्पा का लुक काफी डार्क दिखता था, अपने सांवले रंग की वजह से वो कई बार ट्रोल भी हो चुकी हैं। उस दौरान शिल्पा ने अपने लुक को लेकर काफी मेहनत भी की, लेकिन बदलाव तो तब आया जब उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई गाइज। शिल्पा ने प्लास्टिक सर्जरी से सिर्फ अपना चेहरा नहीं बदला बल्कि स्किन कम्प्लेक्शन भी बदल डाला। उनकी पहले की फोटोज देखने से साफ पता चलता है कि उनका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी के बाद काफी बदल चुका है। और अगर मीडिया की माने तो शिल्पा ने 2 बार नाक की सर्जरी कराई थी, साथ ही उन्होंने अपने रंग को गोरा करने के लिए भी सर्जरी का सहारा लिया था गाइस। इस सर्जरी के बाद शिल्पा बेहद सुंदर लगने लगी और उनकी ये सुंदरता आज तक बरकरार है गाइस। 1993 में आई फिल्म बाजीगर से बॉलीवुड में एंट्री की उन्होंने। उसी साल उनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी भी रिलीज हुई। शिल्पा ने इसके आगे अपने जीवन के बड़े बड़े यूटर्न भी लिए हैं गाइज। वह इंटरनेशनल रियलिटी शो बिग ब्रदर में भी पहुंची और वहां से जीत कर आई। इसके बाद से आज तक उन्होंने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। शिल्पा अपने मल्टी मिलेनियर बिजनेसमैन हस्बैंड राज कुंद्रा की वजह से क्वीन वाली लाइफ जीती आ रही हैं गाइज। कुछ विवाद भी शिल्पा शेट्टी के साथ जुड़े हैं गाइज। शिल्पा शेट्टी को साल 2007 के विदेशी रियलिटी शो बिग ब्रदर के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर इनवाइट किया गया था। कंटेस्टेंट जेट गुड़ी और शिल्पा का शो में काफी विवाद हुआ था। जेट गुड़ी ने शिल्पा पर रेसिस्ट होने के तक के आरोप लगाए थे। शिल्पा के इस विवाद की खूब चर्चा रही थी, इसके साथ ही वो शो की विनर भी रही थी गाइज। और इसके बाद एक बार उनके साथ ये भी किस्सा हुआ। 2007 में ही एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड एक साथ दिखे थे। कार्यक्रम के दौरान रिचर्ड ने शिल्पा को गले लगाकर किस कर लिया था। इसके बाद दोनों पर अश्लीलता फैलाने तक के आरोप लगा दिए गए थे। ये शिल्पा की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद रहा है गाइस। साल 2022 जनवरी में कोर्ट से इसका फैसला ये आया, जिसमें कहा गया कि शिल्पा इस मामले में विक्टिम थी गाइस। और शिल्पा शेट्टी के साथ एक और विवाद है जो कि राज कुंद्रा के साथ हुआ था। जब शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फंस गए थे तो उनके जेल जाते ही शिल्पा शेट्टी ट्रेंड करने लगी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये बातें भी फैलने लगी कि शिल्पा उनसे तलाक लेगी। आखिर में ये सब बातें अफवाह निकली और आज भी शिल्पा राज कुंद्रा के साथ खुश हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं गाइस। शिल्पा शेट्टी की पुरानी फोटो और नई फोटो कई बार वायरल होती हैं और उसमें लगता है कि शिल्पा की पहले की जो तस्वीर है अब की तस्वीर से काफी डिफरेंट है। और इसकी दावा किया जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद ये जो नया लुक है शिल्पा का ये आया है, लेकिन वो कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं होती थी, हमेशा इसको नकारती थी और शिल्पा ने इन दावों को कभी कबूल नहीं किया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि शिल्पा ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात मान ली थी गाइस। तो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं।